प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। वो रुद्राक्ष सेंटर पहुंचे थे अब से कुछ ही देर पहले, जहां पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले वहां एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। अलग अलग राज्यों से सीएम पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी या फिर एनडीए का शासन है। इसके अलावा कई दिग्गज नेता अलग अलग राज्यों के यहां पर प्रधानमंत्री को बधाई देने पहुंचे। नामांकन के बाद का वो वक्त जब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में निषाद पार्टी, अपना दल, इन तमाम सहयोगी दलों के नेता यहां मौजूद रहे और प्रधानमंत्री को बधाई दी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी प्रण है। प्रण काशी नगरी के लिए है, समर्पण काशीवासियों के लिए है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य की ओर सबसे अहम कदम बढ़ा दिया है। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने दशाश्वमेध घाट जाकर गंगा में पूजा अर्चना की, फिर काल भैरव पहुंचे और आशीर्वाद लेकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। दिल्ली की कुर्सी पर हैट्रिक के इरादे से पीएम मोदी ने नामांकन पर्चा भरा और बता दिया कि एनडीए 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेगा। हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए, और देश इस मेरे भावना को और देश के आदेश को एक बराबर से ट्यूनिंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन करा दिया। इस चुनावी प्रक्रिया से पहले उन्होंने कल कल करती गंगा को नमन किया। पीएम का पावन गंगा से जुड़ाव जग जाहिर है, लिहाजा नामांकन से पहले पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच गंगा की पूजा अर्चना की। उन्होंने गंगा की बहती धारा में पुष्प अर्पित किए, फिर दुग्धाभिषेक किया। उन्होंने आरती भी उतारी और नामांकन से पहले काशी नगरी के प्रति समर्पण का संकल्प लिया। 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक पीएम मोदी गंगा किनारे रुके। पूजा पाठ के बाद पीएम क्रूज पर पहुंच गए, जहां उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इसलिए मैं हमेशा भाव रखता हूं कि माँ गंगा ने मुझे घोर लिया है और माँ के जाने के बाद मुझे भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में मां गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। गंगा की आरती और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे। पीएम के पहुंचने से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर मौजूद थे। वहां मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मंदिर के पुजारियों ने भी विधिवत मंत्रोच्चार कर पूजा पाठ कराया। प्रधानमंत्री ने काल भैरव की आरती उतारी। काल भैरव मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी पीएम मोदी का अभिवादन किया। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने आशीर्वाद दिया और फिर पर्चा दाखिल करने पहुंच गए। प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे तो गेट के बाहर ही काफिले की गाड़ियां रुक गईं। खुद पैदल चलकर पीएम दफ्तर में पहुंचे। प्रधानमंत्री के नामांकन के लिए 4 प्रस्तावक पहले से इंतजार कर रहे थे। पीएम के पहुंचते ही उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और तीसरी बार दावेदारी का प्रण लिया। वाराणसी से श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो सबसे महत्वपूर्ण सीट, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहीं से चुनाव लड़ेंगे। आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन था और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कल से ही काशी में थी, जहां पर उन्हें रोड शो के बाद आज पूरे दिन का कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है। काशी से प्रधानमंत्री का नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से हमने देखा, जब एनडीए के तमाम सहयोगी दल के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री को बधाई देने पहुंचे और नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मां गंगा को
नतमस्तक होने, मां गंगा को प्रणाम करने पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और इसके बाद वो सीधे काल भैरव मंदिर के दर्शन करने पहुंचे, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से रिश्ता 2014 से जुड़ा, जब वो पहली बार बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने और फैसला किया कि वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। पहली बार नामांकन के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। पावन गंगा से पीएम मोदी का रिश्ता अब मां बेटे जैसा हो गया है, जिस रिश्ते को वो कभी नहीं भूलते हैं। काशी से उनके जुड़ाव गुजरते वक्त के साथ मजबूत होता जा रहा है। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मैं हमेशा भाव रखता हूं कि मां गंगा ने मुझे घोर लिया है, मुझे देखते ही देखते बनारस की बना दिया। बनारस के रंग में रंग गए हैं पीएम मोदी। ऐसा अथाह प्यार, ऐसी उमंग, भव्य स्वागत, भाव विभोर करता उमड़ता प्यार का समंदर, ये सब कुछ इस बनारसिया के लिए है। मोदी के जहन में काशी का ये प्यार है। 2014 में बतौर उम्मीदवार बनकर यहाँ सेवा भाव से पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, तभी काशी नगरी ने उन्हें अपना लिया। मां गंगा के पावन पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं, मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। दो हजार 2014 में पहली बार पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ी थी। इस बार भी नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नरेंद्र मोदी बम्पर वोट से जीते, उन्हें 56% से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 में यह आंकड़ा और बेहतर हो गया, दूसरी बार करीब 64% वोट शेयर के साथ सांसद चुने गए। दूसरी बार उन्हें 6,74,000 वोट मिले। पीएम के लिए अब मौका वाराणसी से हैट्रिक का है। तीसरी बार भी वे चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, नामांकन पर्चा भर चुके हैं। 10 साल बाद बनारस के प्रति पीएम का लगाव भी गहरा होता चला गया है। जहां तक काशी के बदलने का सवाल है, कभी कभी मुझे लगता है काशी ने मुझे बदल दिया है। यहाँ का जो ज्ञान परंपरा है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की जो सांस्कृतिक चेतना है, यहाँ के जो वैल्यूज है, मैं दुनिया में जहां भी जाता हूँ बड़े गर्व के साथ गंगा जल किसी को देता हूँ, मुझे इस बातों का गर्व होता है कि ये मेरा देश है। और तो एक प्रकार से काशी ने भी मुझे बदला है। वाराणसी से पीएम का अटूट रिश्ता बन गया है। काशी नगरी का कायाकल्प उसका जीता जागता सबूत है। बनारस उन्हें अपना चुकी है, तो उन्होंने भी दिल और दिमाग में काशी नगरी को उतार लिया है। कई बार आया लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, ये पता नहीं शायद भोले बाबा ने तय किया होगा। बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। काशी का इतिहास विशाल है। ये भोले नगरी हिंदू आस्था का अहम केंद्र है। यहाँ कोने कोने में सनातन संस्कृति की झलक है। ये घाटों का शहर है और इसी ऐतिहासिक नगरी के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी से उनका रिश्ता काफी मजबूत है। आंकड़ों के मुताबिक 10 साल में वो 45 बार से ज्यादा बार बनारस आ चुके हैं। उन्होंने इन 10 साल में काशी को करीब 45,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा भी दिया है। जातीय समीकरण की बात करें तो वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा करीब 3 लाख मुस्लिम मतदाता है, 2.5 लाख ब्राह्मण है, भूमिहार कुर्मी 1.5-1.5 लाख और यादव भी 1.5 लाख के करीब है, करीब 80,000 दलित भी है। लेकिन काशी नगरी के कास्ट फैक्टर ने बीते 2 लोकसभा चुनावों में
प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर पूरा भरोसा जताया है। उसी उम्मीद के साथ पीएम अब तीसरी बार भी चुनाव मैदान में है। वाराणसी से श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।